फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम विद्या शाह है, आप सभी के मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाइट ढोकला जो कि इडली ढोकला कैसे बनाएंगे और कैसे मैं 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक दिन पहले ही चावल और उड़द दाल जो है पहले से ही प्रोसेस करके रख दिया है ताकि इसमें खमीर होती है वो आ जाए। तो मैंने थोड़ी टिप्स भी इस पे, जो मैंने दाने डाल रही हूँ मेथी के दाने, उससे सबसे अच्छा वाइट कलर आता है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनसे इडली या ढोकला अच्छे से, जो वाइट ढोकला और इडली बनाते हैं वो वाइट नहीं होती है, थोड़ी सी येलो कलर सी हो जाती है। तो सबसे अच्छी टिप्स होती है कि थोड़ी बहुत जब आप दाल पीस रहे हैं तो उस पे थोड़ी मेथी के दाने डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने उड़द दाल भी पीस रही हूँ ताकि मेरी बेटी को उड़द के वड़े बहुत पसंद है, तो एक साथ ये काम हो जाएंगे। और एक दिन पहले ही ये काम करके मैंने रख देती हूँ स्टोर करके, ताकि मेरे दूसरे दिन मेरी बहुत जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और अगर मेरी बेटी को ढोकला या इडली पसंद ना आए तो ये ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से ढोकले की जो घोल है उस पे थोड़ी सी खट्टी दही डाल रही हो ताकि खमीर बहुत अच्छे से हो, टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। और ये देखिए, इसे मैंने स्टोर कर दिया है फ्रिज पे। यहाँ पर मुझे अच्छे से जो इडली घोल है उसे अच्छे से फेंटना है ताकि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैंने कोई भी सोडा नहीं डाला है, सिर्फ इस पे थोड़ा सा मेथी डाला है। और जिस समय मैं बनाऊंगी उसी समय मैं इसे थोड़ी सी सोडा डाल दूंगी। अगर खमीर ना आए तो आप इस पे इनो का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका स्पंजी और सॉफ्टी इडली या वाइट ढोकला बहुत ही अच्छे से बने। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑयल लगा के प्लेट पे यहाँ पर पूरा का पूरा घोल डाल दिया है और बहुत अच्छे से खमीर आई थी। अगर आपसे अगर खमीर ना आए तो आप इनो का यूज़ बिल्कुल कर लीजिए और वो बहुत इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ही स्पंजी उससे भी हो जाती है। मेरे पास इडली की सांचा नहीं है तो मैंने यहाँ पर ढोकला का वाइट ढोकला मैंने तैयार कर दिया है। तो ये 10 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है, भाप दे दिया है। और ये देखिए कितनी स्पंजी और जालीदार यहाँ पर मेरी वाइट ढोकला बन करके तैयार है। इडली खाने का मन तो था पर कोई बात नहीं, मेरे पास साँचा ना होने की वजह से मैंने ये बना दिया है ढोकला। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत ही अच्छे से मेरा ये जो ढोकला है ना वाइट बहुत ही सॉफ्टी बन करके तैयार हो गई है। तो इसे मैंने साइड कर लिया है। मैंने अब यहाँ पर बाजू साइड करके थोड़ा सांभर की तैयारी कर रही है और ये भी आपका 1 घंटे के अंदर प्रोसेस मैंने किया है। और ढोकला की अगर बोले तो 10 मिनट में बहुत जल्दी से हो जाता है अगर आप भाप वगैरह छोड़ दे तो, है ना, 10 मिनट के अंदर फटाफट आपकी टिफ़िन लंच सब रेडी हो जाएगी। तो दोनों साइड मैंने तड़के के लिए कर रही हूँ, ढोकला तड़का कर देती हूँ और इधर मैं सांभर की भी तैयारी कर रही हूँ। सारा चीज़ मैंने काट करके रख दिया है और जीरा सरसों का तड़का दे दिया है, इधर प्याज डाल दिया, थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है, मैंने मीठा पत्ती भूल गई हूँ तो थोड़ा देर के बाद डाला है, याद आ गया मुझे। तो आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, सब चीज़ फटाफट कट करके सामने रख दीजिएगा तो फटाफट सब चीज़ हो जाती है। थोड़ी हींग डाल देती हूँ मैं यहाँ पर, दोनों पे हींग डाल रही हूँ, दोनों के तड़के में मुझे हींग बहुत पसंद है। यहाँ पर आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो वो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। वैसे तो ड्रम स्टिक बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने सब चीज़ इस पर उबाल रही हूँ और 2 से 3 सीटी आने तक से मैंने इसे उबाल दूंगी। और यहाँ पर देखिए, दाल अगर आप पहले से ही भिगा के रख रहे तो 2 सीटी से ज़्यादा आप मत करिए और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर मीठा पत्ती भी डाल दिया है, धनिया मिर्च मसाले और सांभर मसाला डालना ना भूलिए, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो दोनों मैं चलाते हुए इधर दोनों की तैयारी कर रही हूँ, खुशबू बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी है और टेंटिंग लगती है यार देखने में भी। आप भी एक बार ऐसा तैयार करिए और फटाफट बनाइए ब्रेकफास्ट, या हस्बैंड को अगर लेट हो रहा हो और आपके पास कोई विचार ना हो तो एक दिन पहले ये प्रोसेस करके रखना होता है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और वाइट ढोकला, स्पंजी ढोकला बन करके तैयार हो गई है।
ये दिख रहा है ना बिल्कुल जालीदार, मार्केट में मिलती है ना बिल्कुल वैसी है। अगर मैं इडली बनाती ना बहुत ही प्यारा और टेस्ट और इसका स्पंजी बहुत ही मज़ा आता। पर कोई बात नहीं, मैंने वाइट ढोकला बना दिया यार, इसकी तड़का भी मैंने कर दिया है। और इसमें मैंने तड़के में मुझे प्याज, जीरा, सरसों और ये देखिए हरी मिर्च, मीठा पत्ती मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे बना दिया है। हस्बैंड को हो रहा है लेट, तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी टिफ़िन तैयार कर दिया है और उनकी फटाफट ये देखिए सांभर भी बन के रेडी है यार। ठीक है, फटाफट और क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी तैयार किया है जिसमें थोड़ी सी जिंजर गार्लिक और धनिया पत्ती डाल दिया है। खट्टेपन के लिए मैंने इसमें दही यूज़ किया है, इसकी जो ग्रीननेस होती है बरकरार रहती है और थोड़ा सॉल्ट स्वाद अनुसार। देखिए धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है यहाँ पर और वाइट ढोकला पूरी थाली बन करके रेडी है। इडली की थाली होती है ना बिल्कुल प्लेट वैसी लग रही है, और अगर ये गोल होती तो भाई वही होता। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी ना खाते वक्त देखिए आ करके अपने आर्ट दिखा रही है। हार्ट बनाना इसे बहुत पसंद है और बहुत ही टेस्टी लगा है। मैं तो खाते खाते अपनी बेटी को खिलाना ही भूल गई थी, तो वो देखिए अब ये छीन रही है कि मुझे भी खाना है, टाटा बाय बाय कर रही है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बोल रही है कि मुझे बैठ के खाना है, तो चलिए इसे बैठ करके खिला रही हूँ। पर इसने थोड़ा बहुत ही खाया, ज़्यादा इसको पसंद नहीं आता है इडली ढोकला। जैसे कि मैंने ऑप्शन के लिए बताया था कि मैं उड़द दाल भी पहले से ही भिगा करके और पीस करके रख दिया है, उस दिन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे काम जल्दी हो जाते हैं और उस दिन का काम मैंने बहुत फटाफट भी कर लिया, तो इससे मेरे टाइम काफ़ी कुछ बचत हो गया। मैंने इसमें प्याज और मिर्च नहीं खाती, तो प्याज और धनिया और सॉल्ट स्वाद अनुसार इस पर मिक्स करके इसे छोटे छोटे बड़े जैसे बना रही हूँ ताकि वो कुरकुरी हो जाए। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि मैंने ना फ्रेंड्स अब क्या किया था कि एक दिन पहले मैंने स्टोर कर दिया था उड़द की दाल पीस करके, अब वो रूम टेम्परेचर पर नहीं आया था और हो सकता है कि तेल कम हो गया था। यहाँ पर जिस तरीके से जैसे ही मैंने निकाला था ना वैसे ही मैंने बड़े बना दिया था, और जैसे ही रखा और ये देखिए क्या हो गया ना कि ये पूरा का पूरा इस पर चिपक गया और ये निकल ही नहीं रहा था। और बस डर ये लग रहा था कि निकालते निकालते कहीं तेल मेरे ऊपर ना छिटक जाए, मेरे हाथों पे चोट ना लग जाए। तो बस कुछ इस तरीके से ये बन करके रेडी हो गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने इसे निकाल लिया, तो ये गलती आप भी मत करिएगा। अगर आप भी पहले से स्टोर करके रख रहे हैं ना, तो रूम टेम्परेचर पे पहले आने दीजिएगा, फिर बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। ये खुद से निकल के ऊपर तैरने लग जाती है और बहुत ही क्रिस्पी यमी लगते हैं। वैसे तो खाने में मेरी बेटी को ये भी यमी और टेस्टी और क्रिस्पी ही लग रही है। ये थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन नेक्स्ट ये वाली जो दिख रही है ना बहुत ही क्रिस्पी बनी है और टेस्टी है। देखो रूम टेम्परेचर के बाद इसका कलर और ये खुद से निकलने लग गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।